बोला सीरीज एलसीआर सर्किट विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफराड और रेजिस्टेंस 50 ओम है, और उसको एसी सोर्स से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है तुमको 200 साइन 100 ओमेगा टी, या 100 टी है दिया हुआ है, 100 टी है ओमेगा नहीं, 200 साइन 100 टी वोल्ट। इफ द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इफ द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट इज वी नॉट या न्यू नॉट, इसको बोल दो। बोला यदि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बच्चों यहाँ देखो ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है तुम्हें 100, ओमेगा का 100 कर रहा है, ओमेगा क्या होता है 2π × फ्रीक्वेंसी बराबर 100, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 100/2π, 2 से 100 कट गया 50 बार में, 50/π फ्रीक्वेंसी 50 होना चाहिए, 50/π फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सिंपल ओमेगा है 100, ओमेगा होता है 2π f, एफ हो जाएगा 100/2π, 2 से 100 कट जाएगा 50/π, 50/π ये होगा नहीं, 50 ये 100 होगा नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है ना, ये भी 50, यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी 50/π है, फ्रीक्वेंसी 50 लिख रहे हैं, ए सी बी और डी तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, या फ्रीक्वेंसी 50 होगा नहीं, 50/π होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 50/π। आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी ना 50/π है, यहाँ तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, अब बराबर भी लिखा हुआ है तो लगा दो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2π√LC, 1/2π, एल है 10 और सी है 10 माइक्रोफराड, 10 माइक्रो का वैल्यू -6, माइक्रो का वैल्यू -6, सॉल्व होकर कितना होगा, या 10 के पावर -6 या 10 × 10 100, ये 2 0, 6 में से 2 0 गया -4, तो कितना हो जाएगा, किधर निकाल दे, इधर निकाल देते हैं, एफ बराबर 1/2π, ये अंदर में 10^-4 बाहर निकल के आएगा 10^-2, नीचे 10^-2 ऊपर जाके 10^2, तो 100 ये कट जाएगा 50 बार में, 50/π, तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी 50/π, फ्रीक्वेंसी भी 50/π, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्लियर।